अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान अबीरा खान और आप देख रहे हैं रूही टीवी और सिटी प्रोग्राम में वेलकम हो गया। नाज़रीन, आज मैं फिर एक मौलाइया प्रोग्राम करन आप चल दे लोगों वाल पूछांगे रमज़ान के हवाले ना सवाल, थोड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी करांगे तो देख दें लोग की दें दे जवाब। चलो चलिए लोगों वाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की कर रहे हो तुसी इत्थे? जॉब करता हूं। अच्छा, की दी? ग्रेविटी ब्रांड पे होता हूं। अच्छा, किसी ब्रांच जॉब कर देने आ। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दे, रोजा रखा है? जी। इत रखा है? घर रखा था। अच्छा, घर रखा है। अच्छा, कभी इंज होया रोजा रख के तुसी भूल गए हो? हां, एक दो दफा हुआ ऐसे। की खादा पीता सी भूल के? अभी परसों मैं पानी की बोतल निकाल रहा था बाहर फ्रिज में से, तो घर वाले ने बोला ये पानी की बोतल निकाल तेरा रोजा है, इसलिए फिर मैं याद आ गया, उन्होंने याद दिला दी। नहीं याद, किन्ने याद कराया सी? मेरी भाभी ने याद कराया था मुझे। शर्म कर रोजा वा। हाँ जी, भूल गया था मैं। अच्छा, ज्यादा अफतारी विच खादा जांदा या सहरी विच? सहरी। सहरी ज्यादा खांदे क्यों? बस सहरी को ज्यादा भूख लगती है, यहाँ से जाके फिर हम खाना नहीं खाते, फिर सहरी टाइम ही खाते हैं। अफतारी टाइम ना ज्यादा प्यास लगी होती ना, पानी पीता जांदा। जी। चलो मेरे सवाल का जवाब देना, तुझे दसना वा की शह वा जी टाइगर को होंगी और किसी को नहीं? सोचो ऐसी की शह हो सकती? नजर। नजर बाकी की सारे अंधे हैं? नहीं, उसकी नजर शायद तेज हो। नहीं पता नहीं, तुझे को मैं हार गया। हार गया मैं हार। चलो शुक्रिया, हो दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले दसो रोजे रखे सी? हाँ जी, तीसरा रोज आज। तीन रोज आज मिला दे, डक रह गया। मेरा भरा पता नहीं अगे की होएगा। अच्छा, कभी इंज होया कि रोज़ा रखा हो भुल भुलेखे कुछ खा पी लिया हो? नहीं, कभी मेरे ना नहीं इस तरह होया, अक्सर हो जाता लोगों को, लेकिन मैं नहीं इस तरह कभी नहीं भुले। नहीं, मान लेनी मनने वाली गल नहीं। अच्छा, मैंने दसो कि ज़्यादा लोग अफतारी दे विच खाते या सैरी च? सैरी च। अफतारी जे तो इन्ना खादा नहीं जाता। क्यों? बस दिल भर जाता जो चीज़ा अगे आ जाए, फिर दिल भर जाता। सैरी के टाइम भी तो अगे ही चीज़ा? नहीं, उदो तरह करनिया पैदा कट्ठिया, उदो ये होंगे ना सारा दिन अस कुछ खाना रिया। आहो आ भी आ। अच्छा, तुम दसो कि ऐसी कि शह वा जी थानू डेली मिले सैरी अफतारी तुम खा लूँगे तंग नहीं आओगे? दही। दही आ सारा का फेवरेट। अच्छा, दही इन्ना क्यों मतलब लाइक कर दे? दही जरा चार पाँच घंटे लंघ जाते हैं। अच्छा, भुख नहीं लगती? अच्छा, इस गल का तो मैं पता ही नहीं सी। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना, तुम्हें दसना वा कि शह वा जी नीचे जाती है तो रोशनी हो जाती, उत्ते जाए तो नेरा हो जाता? उत्ते जाए तो नेरा हो जाता, थले आवे तो रोशनी हो जाती, बल्ब भी होगा। उत्ते जा के बुझ जाता वा? जहाज नहीं, नीचे आवे जहाज की रोशनी होंगी, उत्ते जाए तो लै नेरा हो जाता। एक गल हुई, उत्ते जाके नजर नहीं ना होता, थले तो नहीं होता ना, लेकिन लाइटा तो चलदिया होंगे ना, उत्ते जाके देख लो जहाज लाइटा चल रही होनी है। पता जुगनू? नहीं। बटन। हाय रब्बा, चल रहा दिमाग चल रहा। अच्छा, अज सानू की सुनाओगे? अज ना सुनावगा एक पहली, तो उस तो बाद एक कसीदा सुना। चलो सुनाओ नात। कर्म के आसता नेक क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, कर्म के आसता नेक क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे टिकाने की क्या बात है, आपके
आशियाने की क्या बात है कर्म के, इनके नाना भी हैं और नवासे भी हैं, इनके नाना भी हैं और नवासे भी हैं, इनके नाना भी हैं और नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है आपके आशियाने की क्या बात है कर्म के, आस्ताने की क्या बात है आपके आशियाने की क्या बात है। माशाल्लाह बहुत ही वधिया। अच्छा तुसी कदी किसी महफिल च जाके नात पढ़ी? हाँ जी, ते बहुत तारीफा हुई बड़िया भी होंदियां, कई नहीं भी करते, कई करते हैं। खुशी महसूस होंगी? हाँ जी बड़ी। तारीफ तो होनी चाहिए आ, आवाज़ एड्डी सोहनी आ, ते नात माशाल्लाह बड़ी सोहनी पढ़ी। ते हुन तुसी कसीदा सुनाओगे सानू? चलो सुनाओ। अज दीवे बाला अलमा दे थले, अज दीवे बाला, अज दीवे बाला अलमा दे थले, अज दीवे बाला, दिता रंग गाजी लजपाल मैनू, दिता रंग गाजी लजपाल मैनू, कीती नजर साया मेरे वल्ले, मेरी जग उते होगी बल्ले बल्ले, हो मेरी जग उते होगी बल्ले बल्ले, कीतियां दुआवां गाजी मैं उन्हां वास्ते, लाके उम्मीदां बैठे जेड़े तेरी जात ते, पा बचड़े खाली झोलियां विच, पा बचड़े खाली झोलियां विच, जिन्ना दरसाया तेरे मल्ले, मेरी जग उते होगी बल्ले बल्ले, हो मेरी जग उते होगी बल्ले बल्ले, सदके मैं जावां उस सैयदा दी जान ते, पाक बतूल बीबी जैनब दे मान ते, सदके मैं जावां उस सैयदा दी जान ते, पाक बतूल बीबी जैनब दे मान ते, मौसन दे बख्त बुलंद किते, मौसन दे बख्त बुलंद किते, नहीं सी कुछ भी मेरे पल्ले, मेरी जग उते होगी बल्ले बल्ले, ओ मेरी जग उते होगी बल्ले बल्ले, अज दीवे बाला अलमा दे थले, अज दीवे बाला। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत सोहनी आवाज़। मैं यही कहना चाहती हाँ साढ़े पाकिस्तान की आवाम नू कि टैलेंट बहुत ज़्यादा वा, लेकिन गल उ कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आ, जेडे अमीर लोग आ पैसा ला के अपने आप नू प्रमोट कर लेंगे, लेकिन जेडे मेहनत करने वाले लोग आस दसो की करते हो? इस टाइम तो मैं आखो शर्टा का काम कर रहे हैं, लेडीज का हूँ शर्टा का काम कर लग गए, लेकिन मैं चाहनी हाँ कि इस अगर टैलेंट है वा तो इन प्रमोट करना चाहिए मजीद, मैं तो अपनी कोशिश कर रही हाँ, लेकिन मैं चाहती हाँ कि थोड़ी भी जिम्मेदारी है कि तुम इन्हों का साथ दो, इन्होंने सपोर्ट करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करन आए तुसी इत्थे? पता नहीं, पता ही नहीं आए जी, आ गए क्या करना है? वही तो पूछ रही की करन आए। मैं क्या करना? आर्मी।
आर्मी से जाना चाहते हो, बड़ी वधिया गल आ। अच्छा मैनू ये दसो, रोजे रखते हो? नहीं रोजा कुछ आई है, इसलिए शॉपिंग करने आए हो। रोजे नहीं रख रहे, इस वास्ते शॉपिंग करने आए हो? रोजा कुछ रोजा खुशाई की शॉपिंग करने आए हो जी। कभी होया तुसी रोजा रखा हो तो तुसी पानी पी लिया हो, गलती नाल कुछ खा पी लिया हो? नहीं पीऊंगा। कभी भुल भुलेके कुछ खाधा पीता गया हो? मैं खाता पीता ही नहीं हूँ। याद रहिंदा जी? अच्छा कई लोग भुल जाते हैं जी। अच्छा तुम मैं दसो कि तुसी अफतारी विच की शौक ना खाते हो? भिंडियां। डेली? नहीं कदी कदी। ते सहरी विच कीरी शै सी जड़ी तुसी रोज भी खाओ तुसी बोर नहीं होंगे, तुसी खाई जाओगे? पराठा चने। पराठा डेली दे दो, उसे खा लूंगे शौक ना जी। अच्छा चलो, मेरे सवाल का एक होर जवाब है। तुसी दसना कीरी शै जड़ी टाइगर को होंगी किसी होर को नहीं होंगी? ये टाइगर पसंद है? पसंद है। ऐसी कीरी शै होनी टाइगर को? मां क्या होता है मुझे पंजाबी समझ नहीं आ रही है। और पंजाबी नहीं समझ आ रही? चलो थोनू नात आंदी? आती है। चलो सुनाओ फिर। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। बस बोल गए? हाँ भूल गया। कभी तो किस्मत, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो सलाम होगा मेरा। चलो शुक्रिया, वधिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की करन आए तुसी मॉल च? असि अपने ईद दे सूट लैन आए। छेती शॉपिंग? बाद में रोजे ज्यादा हो जाए तो फिर आया नहीं जाता ना, इसलिए अभी अभी सिल जाएंगे। और अभी बड़ा रोला होता वा, दर्जना सी के नहीं दिंदियां, नखरे करे लग जांदियां वा। अच्छा तुसी मैनू दसना वा के लोग अफतारी च ज्यादा खांदे या सहरी च? मेरा तो ख्याल है कि सहरी में ही खाया जाता है, क्योंकि अफतारी में तो सारा दिन प्यास ही लगती है, बस पानी शरबत वगैरह पीते हैं, इस वास्ते खादा नहीं जाता। सही। ते तुसी मैं दसना वा ऐसी कीरी शै वा जेड़ी तुहानू डेली दीती जावे सहरी या अफतारी च, ते तुसी खुश होके खाओगे? ऐसी कौन सी शै? दही ज्यादा इस्तेमाल होता है, दही से ही पराठा वगैरह खाया जाता है सहरी के टाइम भी, और अफतारी के टाइम दही भल्ले वगैरह बना लेते हैं, उससे वही ज़्यादा यूज होती है। अच्छा मैंने ये नहीं समझ आ रही कि लोग सहरी च दही क्यों ज़्यादा खाते, मतलब कहते अं रोज भी खाइए तो असं शौक ना खावे, क्यों की फायदा रहा? इसलिए कि उससे प्यास नहीं लगती। अच्छा जी नाजरीन, अब वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, तुम कित नहीं जाना, तुम चैनल नहीं बदलना, मैं जल्दी वापस आऊँगी। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। चलो चलिए लोग वाले सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की करन है तुसी इत्थे? कुछ नहीं, घूमने आए वैसे। मन फिरन मॉल च क्यों? मॉल च क्यों? वैसे ही दोस्त है यहां पे काम करते हैं, उनके पास आए थे। मिलन जुलन आए ऐसे शहर दे हो? जी। तुसी की काम करदे हो? आर्मी में लादा हूं। आर्मी दे विच मतलब न्याणियां नु भी रख लेंदे हैं? जी न्याणियां नु भी रख लेंदे हैं। ना तुसी हले वड्डे दे ने होए नहीं आ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਹਲੇ ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗ ਵੀ। ਨਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ। ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਮਾਜ਼। ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵੀ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਰੀ 'ਚ? ਸਹਿਰੀ 'ਚ। ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਸ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ? ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
अच्छा ऐसी कीड़ी शै वा जेडी थानू अफतारी च या सैरी च रोज मिले तुसी खाओगे? दही। दही पसंद है थानू जी? डेली मिले तंग नहीं आओगे? नहीं। चलो आ भी सही है। चलो मैं दसना कीड़ी शै वा जेडी नीचे आंदी है ते रोशनी हो जांदी उत्ते जांदी ते नेरा हो जांदा? चले आंदी रोशनी है जी। जुगनू? नहीं आइडिया नहीं है। चलना चाहिए फौजियों का दिमाग। ना वो ये नहीं कहते कि एडे सुके फौजी नहीं होते कि हवा तेज चले तो उठ जा। नहीं एडे सुके फौजी नहीं है, पक्के फौजी हैं। सुके ही हो? सुके के तो हम फिर क्लब चले हैं। खाते पीते कुछ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह खाने हैं। तो फिर भी नहीं हटे कट्टे होने चाहिए ना फौजी? जिन्हें को ट्रेनिंग उन्होंने सख्त है हटे कट्टे की अगले जी। ट्रेनिंग सख्त होंगी उन्हें? अच्छा किन्ने महीने ट्रेनिंग होंगी? नौ महीने तो बाद मतलब फौजी फिर बन जाते? फौजी बन नहीं जाते, फिर कॉल लैटर आता है उस तो बाद फौजी बंदा बन सकता। फौजी बन जाते? अच्छा जिस तरह मतलब होंगे वा इंस्पैक्टर सब इंस्पैक्टर पहले स्पाई इंज का होना ना पहले होते हैं फौजियों भी होंगे जी? फिर की आता फिर बनता है मतलब वो ही सिस्टम चल रहा है? रैंक बढ़ते हैं वो जैसे स्टडी होगी ज़्यादा तो वैसे ही रैंक बढ़ेगा हमारा। जिससे पुलिस वाले फोन लगते हैं फौजियों भी लगते लगते? अच्छा मैं पता नहीं ना कल हो सकता मैं भी फौजी बन जावा जो हालात चल रहे हैं मैं लगता वा। अच्छा कुछ शेयर करना चाहते हो? शेयर तो कुछ नहीं करना चाहता। फौजियों के पैगाम तो वो आवाम नू पैगाम फिलहाल तो कुछ नहीं है। फिलहाल तो शादी के सिलसिले च बड़े हैं। शादी के सिलसिले च घर वाले कह रहे मंगनी करनी है दही कहने के नहीं करनी है? हाँ हले तो उम्र ही नहीं हैगी ना। चलो कोई नहीं जद्दोजहद करो कि पता कामयाब हो जाओ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करन आए तुसी इत्थे? हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं अमाना मॉल। कुमन मॉल च क्यों? बस वैसे ही रोजे से फारिग हुए थोड़ी देर तफरी कर लें। अच्छा तुसे ऐसे शहर दे हो? नहीं मैं बेसिकली कराची से हूँ यहाँ पे जॉब करता हूँ। मतलब अगर थोनू पंजाबी बोलन दा क्या आ जाए तो थोड़े को नहीं बोली जाने? नहीं ये तो गल खुमार खैर मुश्किल है पंजाबी है तो मुश्किल ना आसान है ना ये तो है खैर कोशिश करेंगे तो बोल ही लेवांगे। हाँ फिर सही है। अच्छा मैं दसो कि इंज होया तुसी के कदी रोज़ा रखा हो भुल भुले के कुछ खा पी लिया हो? हाँ काफ़ी दफ़ा पानी वगैरह पी लेता था हो जाता कभी कभार ये खासतौर पर नींद से जब उठते थे जब तो हो जाता था अक्सर ये। नींद तो बाद याद आंदा क्यों मेरा रोज़ा सी है पहले को याद करा देंदा? नहीं नहीं पीन दे बाद ही याद आंदा सी मेरा रोज़ा है। बस किन्नी कवार इंज हो जाता? बचपन जी होया सी हुण तो जवान हो गया हुण तो पता चलता है। हुण नहीं हुंदा इंज? नहीं हुण नहीं हुंदा। चंगी गल आ। चलो मैंने दसना के ज़्यादातर लोग सैरी च खांदे या अफतारी च? अफतारी के बाद ही खाते हैं। शहरी में तो बस नींद से सुबह उठते हैं तो कमी भूख होती है तो मुनासिब है। अब वो भी फिर बंदे पे डिपेंड है बंदा कितनी खा सकता है। नहीं खाते से हाँ ये तो लगता है। ना इन्ने माड़े क्यों खाते पीते नहीं? नहीं खाता तो बहुत ज्यादा हूँ मैं बस पता नहीं फिर भी क्यों लगता नहीं जाए जिसम को। सारा साल तो नहीं रोजे रखते? नहीं नहीं सारा साल नहीं रखना था मैं फिर मर ही जाना। अच्छा सही। चलो मेरे सवाल का जवाब दें तुम दसना वो कि शह वा जी टाइगर को होंगी किसी होर को नहीं? टाइगर को होंगी है टाइगर हूँ टाइगर तो पूछना पैना नहीं मालूम मैं हार गया। मैं हार गया। चलो एक और सवाल तुम दसना वा कि किरी शह वा जी नीचे आती तो रोशनी हो जाती उत्ते जाती नेरा हो जाता? नीचे आती है रोशनी हो जाती है ऊपर चले जाती है अंधेरा हो जाता है ये कौन सी चीज है ऐसी? अच्छा एक और सवाल तू जिसना किरी शाय वाले डे नीचे आ जावे ते रोशनी हो जान्दी उत्ते जावे ते नेरा हो जान्दा? बटन। चल रहा दिमाग चल रहा। अच्छा की शेयर करना चाहोगे? मैं बेसिकली तो किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ लेकिन शेरो शायरी भी पढ़ता हूँ और मेरी फेवरेट शायर प्रवीण शाकिर है जो उनकी गज़ल में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। उनकी गज़लों में से एक गज़ल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो मैं आपके लोगों के लिए सुनाऊंगा मैं। ठीक है
परवीन शाकिर की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये अक्सर गज़ल मैं पढ़ता रहता हूँ। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे। कभी नींद में कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नज़र मिली ना जुबां हिली, यूं ही सर झुका कर गुज़र गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी फर्श पर कभी अर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। थैंक यू। चलो जी शुक्रिया, वधिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की करन आए से थे? शॉपिंग करने। किरे वास्ते? अपने लिए और बाकी सबके लिए। ईदी शॉपिंग? हाँ जी। उन्हीं तो ही नहीं, बस अभी से ही थोड़ी थोड़ी। तभी यही मसला है, दर्जन ने सी के नहीं देने कपड़े। स्टिच लेने अनस्टिच लेने? स्टिच लेने। अच्छा हूँ तो नवी वरायटी भी नहीं आई, इधर गोल गोल आनी है। अच्छा फिर आगे भी ले लेंगे। ये नहीं सी पता ना? नहीं पते दी गल दसी है मैं। अच्छा की करते हो? पढ़नी हूँ, 8th में हूँ। की बनना चाहते हो? डॉक्टर। की दी डॉक्टर? चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चे तो होने चंगे लगते? हाँ जी। अच्छा फिर ठीक है, चलो मेरे सवाल का जवाब देना। तुसी पहले मैंने ये दसो कि वो किदी शै सी जड़ी थानू डेली अफतारी च या सहरी च मिले तुसी तंग नहीं आओगे खाओगे? किदी शै हो सकती है जिहड़ी शौक नाल तुसी रोज़ खा सकते हो? कोई शै नहीं हैगी, रोज़ भी मिले शौक नाल खा जाओ। खजूर। खजूर ते डेली भी खाओ ते बंदा खा लेंदा तंग नहीं आंदा। अच्छा एक और सवाल, कभी होया तुसी रोज़ा रखा होवे ते भुल भुलेखे कुछ खा पी लिया होवे? नहीं ते भी नहीं होया? नहीं। सही सही दसो। नहीं नहीं। अच्छा फिर ठीक आ, तुसी मैनूं दसना वा कि किहदी शै वा जिहड़ी टाइगर को हुंदी होर किसी को नहीं हुंदी? नहीं पता? नहीं। इत्थे को मैं हार गई। मैं हार गई। अच्छा अको सुनाओगे तुसी नाच वगैरह? किसी शै दा शौक होए? नहीं। कोई शौक हैगा थानू डॉक्टर बनने तो अलावा? जी ड्राइंग का वगैरह। ड्राइंग दा शौक आ, की बनाना ज्यादा पसंद है ड्राइंग च? स्केचिंग वगैरह। बना लेंदे स्केच? हाँ जी। मैं कहां जे मेरा सोना जे स्केच बनाओ बना लूंगे। हाँ जी। नया नक्श मेरी मर्जी दे होने चाहिए। थोड़े बदल के बना सकते हो? जी नहीं। बस बना लूंगी, बस देख के बना लूंगी। हाँ। चलो शुक्रिया दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करन आए तुसी इत्थे? कुंडी करन आए सर। रोजे यार रोजे, लोगों ने वट्टे लैके खलो जाना वा, लेकिन और तो पहले मेरे को लोहे का माइक आ, याद रखियो। सो की करन आए थे? वैसे कजन नु मिलन आए सी। कजन नु मिलन आए सी? अच्छा ठीक है। की काम करते हो? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जॉब करते हो? सही। अच्छा तुसी मैनूं दसना वा कि ऐसी किहड़ी शै वा जिहड़ी तुहानू रोज़ मिले अफतारी या सहरी च तुसी शौक नाल खाओगे? अफतारी या सहरी दे टाइम रोटी। रोटी मतलब ओ ते जारी तौर ते खांदे या सारे और तो अलावा? रोटी तो नाल सालन होंदा। ਇਸ ਹਾਲਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਦਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ? ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। अच्छा फिर तो वधिया वा। चलो मेरे सवाल का जवाब देना कि वह किहड़ी शै वा जिहड़ी धौण हुंदी आ पर दिमाग नहीं हुंदा? धौण हुंदी आ पर दिमाग नहीं हुंदा? हड्डी। कि
ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਵਾ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਗਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਲਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬੱਲਾ ਜ਼ਮੀਂ ਮਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਜ਼ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋਂ ਕਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸੇ ਯਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸੁਨੋ ਲੋਗੋ ਯਹ ਜਿਸ ਮਨ ਮੇ ਸਮਾ ਜਾਏ ਯਹ ਜਿਸ ਮਨ ਮੇ ਸਮਾ ਜਾਏ ਵੋ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋਂ ਕਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਸੇ ਹਮ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁਕੇ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਲੋਗਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਉਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇਖਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਗੇ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸ਼ੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਰਾਣਾ ਨਾ ਲਾਜ ਲਾਤੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਰੀ 'ਚ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਖਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੁਗਨੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਆਏ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਲਬ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਲੀ ਆ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ
रमजान दे हवाले ना कर नसीब से इतना गिला ऐ इंसान, ना कर नसीब से इतना गिला ऐ इंसान, खुदा राजी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है, खुदा राजी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। चलो जी शुक्रिया, वधिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करन आए तुसी इत्थे? की करन आए? रोज़ा अवतार कीता ते गुजर रहे सन ते सामने मैनूं नज़र आया कि वीरा खड़े ने, मैं कहा चलो कि जाके इंटरव्यू दे के आईए। सच्ची दूरों पहचानी जांदी मैं जा रहा थे तुहाड़ा ना एक इंटरव्यू सुनिया सी यूट्यूब ते, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तुसी प्रमोट करदे हो पंजाबी नूं, इस वाले नाल मैं क्या चलो मैं जाके फिर अपना भी एक इंटरव्यू दे आईए। अच्छा तुसी की काम करदे हो? मैं बेसिकली जॉब करदा मेडिकल फर्म में। अच्छा तुसी जॉब करदे हो, ब्याह होया थोड़ा? बिल्कुल होया। कितने साल हो गए? मेरे वहां तकरीबन कोई 4 साल हो गए ने। 4 साल? हले इन्ने साल नहीं, इन्ना पुराना नहीं, नवा नवा ही है। नहीं पुराना होगा, 2 बच्चे भी होगा माशाल्लाह। चलो कर 4 साल भी देखो पुराने लग लग गए। चलो मेरे सवाल का जवाब देना, तुसी दसना वा कि ओ कीरी शेर टाइगर को होंदी जेड़ी होर किसी को नहीं होंदी? टाइगर को होंदी केड़ी शेर जेड़ी? यार पुठे सवाल जे बड़े तुसी इन्ने मतलब कंफ्यूज करदे हो, इंदा होना जवाब है दलेरी उन्दे कोल होंदी, बाकी साढ़े कोल भी होंदी। जेड़ी उन्दी स्पीड है ना वो किसी को नहीं होंदी, जेड़ी उन्दी रफ्तार है? नहीं। सॉरी फिर उसको मैं हार गया। थोड़ा गूंदा कुछ दियो ना जरा मतलब। नहीं हार मनो। चलो ये हार गया। अच्छा मैंने दसो कि ज़्यादा लोग सहरी च खाते या अफतारी च? देखो जी अज तो मतलब सहरी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, अफतारी चाहे है कि दुध या पानी दा या कुछ चीज़ पी लो उस बाद दिल नहीं करता कुछ खाने का। ज़्यादा नहीं जाना। ऐसी कीदी शै वा जेड़ी डेली थोनू सहरी या अफतारी च मिले तुसी खुश होके खाओगे? मैं तक रशियन सैलड मिल जाए या फ्रूट सैलड मिल जाए इस तरह की कुछ चीज़। डेली खाओगे एक ही शै तुसी तंग नहीं आओगे? ऑब्वियसली मतलब सेहत वास्ते भी अच्छी तो मतलब तंग नहीं करेगी जाके। बाकी या समोसे पकौड़े तलियाँ चीज़ा या हैवी या पराठे या मतलब बिरयानियाँ या मुर्ग मसलम ऐ तो ठीक ही नहीं, बंदे नुकसान करते हैं। लाइट चीज़ का और सैलड टाइप तंग नहीं करेगा। समोसे पकौड़े नहीं खाते ना? नहीं मैं नहीं खाता। इस वास्ते स्मार्ट है इधर तो बेड़ा गर्क हो गया नाजरीन, मैं तो सोची पी हूँ मैं की करा। पकौड़े समोसे खाना बंदा मोटा नहीं होता, तो मोटापे तो होर कोलेस्ट्रोल की रीज़न होंगे ने। मिठा बहुत खाना हों? नहीं मिठे का भी एडा फैक्टर नहीं, तुम खा के मिठा नु हजम कर लो, तुम क्यों मोटे होना है? अगर खा के तो बैठे रहना कुर्सी पर तो फिर तो हर चीज़ खाओगे मोटा करेगी तुम। अच्छा मतलब किसी शहर अगर बंदा मोटा नहीं होंगे तो मैं क्यों हो गई हाँ? खुशी ना लोए हो? कोई खुशी नहीं। रमजान की हैगी है और तो अलावा कोई खुशी नहीं है। तुम्हारी शादी हुई? ये भी कोई खुशी नहीं है। नहीं शादी हुई नाल बच्चे हो तो बंदा आगे शॉपिंग कराता बच्चे उनकी खुशी एक होर होंगी, बाकी खुशियां तो दुनियादारी दी होर होंदियां ने, नाल भी तुहाडा हसबेंड होवे नाल तुहाडे बच्चे होन तुसी आओ कोई शॉपिंग करो। ये तो जिंदगी च खुशी हैगी नहीं ना, तुसी दसो तुसी लेके आंदे अपनी फैमिली नु? ऑब्वियसली लेके जाईदा। खुश हुंदे हो तो? बहुत ज्यादा। बुड्ढी अगर बहुता खर्चा करा दे फिर? नहीं सियानी बुड्ढी मेरी वे सोच के चलदी, उनू पता है नहीं लिमिट मेरे बंदे दी ओसे कारण। नहीं दी शॉपिंग कराओगे ना तो लग लो जाएगी थानू? नहीं नहीं वो तां हुण तां प्लान उहना कीता है कार, वो कहंदे ने भाई तैयारी कर लो, मैं कहा कोई मसला नहीं कर लैंदे। अच्छा सही। बंदा कमांदा है तो कमान का बेसिकली मकसद तुहाडे होना चाहिए कि तुसी अपनी फैमिली एंटरटेन करो, बजाय कि फजूल कमां ते पैसे लाओ, अच्छा खाओ अच्छे कपड़े पहनो अपनी फैमिली नूं इंजॉयमेंट कराओ, तुहाडी जिंदगी का परपज ही होना चाहिए मेरा। अगर थोड़ा बजट 50,000 का हो ते खर्चा हो जाए थोड़ा 80,000 का फिर की करदे तुसी, की रिएक्शन होंदा थोड़ा? 80,000 ते अगले महीने थोड़ा उन घटा लईदा। लेट्स हो जांदा गुजारा हो जाता है हूँ ही इंतजार। गुस्सा नहीं आता बुढ़ी तो गुस्सा नहीं करते इन्ना खर्चा कराता शॉपिंग कर ली लै हूँ तेरी उम्र हैगी न्याणे हो गए हूँ तेन सजन तो जंदी इन्नी की लोड़ा। नहीं जी देखो बंदे ताने दिंदे आ। नहीं नहीं ताने वाले ऐसी कोई गल नहीं, जेडे जायज मकूल चीज होवे उत्थे पैसे जेडे बंदे नूं देई देने, जेडी मतलब उन्हें कहना मैनू जोड़ां दा दर्द है मैं घर जावां, मैं तो बेगम केड़ा जोड़ां दा दर्द है, वो भाजी मैंने जोड़ां दर्द मैंने सैट करा के लियाओ। अच्छा अच्छा वो लै जाओ खाड़ी ते 2 जोड़े लै दियो, जोड़ा का दर्द मुक जाता है तो यही जड़ा है ना
मतलब इस तरह का दर्द जो अस नहीं लेंगे अभी जो नॉर्मल रूटीन से ना वो चलते हैं कोई जोड़ा का दर्द भी देख वाला नहीं है सही चलो एक होर सवाल तुसी दसना इन्नी जेंडरी आंदी इन्ने लोग आंदे ने तुसी कोई किसी नु प्रपोज करो इस तरह जिस तरह मैं तुहाडे कोल खड़ा को पुछे अगर कुवारा नहीं शादी तुहानू तुहानू की लगदा कि कोई भी एडा चंगा मेनू मैं आज तक लगा ही नाजरी ने एडा चंगा कि मैं किसी नु कह देवा हां वे तुसी मेनू वधिया लगदे हो क्यों नहीं पता नहीं अपना ना फिर अपॉइंटमेंट लवो मैं तुहाडे किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ला देना ऐसा अनोखा पीस अल्लाह ताला ने बनाया होना यकीनन सारियां दी जोड़ियां बनियां मेरे लिए भी कोई होएगा ते पता नहीं किदो आएगा ए मेनू नहीं पता नहीं रब ने तुहाडी जोड़ी बनाई है लेकिन वो जलील नहीं होना चाहुंदी दुनिया दे अगले जान तुहाडा वेट कर रही होनी हां जी एथे चलो अगले जान से मिले ते सही किते नहीं नहीं मैं दुआ करांगा जाके अपने घर वाले भी कहांगा वीरा वास्ते दुआ करन कि अच्छा यानी कोई लाइफ पार्टनर जेड़ा ना मिल जावे ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਮਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੁਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਲਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਨਿਸ਼ਤਾਨ ਬੰਦੇਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਸ਼ਮ ਮਾਰਨ ਮਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਲਾਵਾਂ माशाल्लाह इन्हों का मुँह देखो अंडर पास गोल गप्पे लाए होंगे क्योंकि मैं रोजे या फिक्या फिके मार सकती इस टाइम दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा अच्छा तुझे रोजा छड़ लिया नहीं आप रख दे भी यार रखांगे भी अगे इंशाल्लाह अच्छा मैंने पता होता मैं कुछ ले आना तुहाड़ी दफ्तारी करा देंदा कर दे किदों दी हो नहीं तो मैं लेट कर देना चलो कल फिर चक्कर लगा इंशाल्लाह आवांगे फिर फैमिली दे नाल मनु की लगदा सब तो एंड ते मेरा रोजा कल्ली दा खोलदा वा साड़ा अज तू क्या सी टाइम पूरा करना अज मैं तो पूरा करके जाना मैं एक मैसेज देना चाहुंदा ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰੇ ਐਵੇਂ ਟਸ਼ਨ ਮਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਮੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ
टाइगर को होना होर तो किसी को होना नहीं। नाजी मेरा दूसरा सवाल ये कि वह कि शह वा जी धोन तो होंगी है पर दिमाग नहीं हों होंगी बोतल। तो नाजरीन मेरा तीसरा सवाल ये कि शह वा नीचे आ जाए तो रोशनी हो जाती उत्ते जाए तो नेरा हो जाता और जवाब आ बटन। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया वा वक्त अपने वीर इजाजत दे दौ जल्दी मुलाकात होएगी तो नवी जगह तो नवे सवालों के नाल। अल्लाह हाफिज़।